सभी बड़ों को मेरा नमस्कार और बच्चों को मेरा प्यार और आशीर्वाद। तो कैसे हो सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। और अभी सुबह के 9:30 बज गए हैं और धूप भी लग गई है अभी तो बढ़िया, लेकिन सुबह हमारे यहाँ पे ना बहुत ही मौसम खराब हुआ था आज। और आज हमारे सीलिंग वाले मिस्त्री भी बोला है आने को, तो अच्छा है अगर वो आ जाएंगे आज तो हमारा ये जो रुका हुआ काम है ना तो ये फिर से शुरू हो जाएगा। और हम ना अपने इस रुके हुए काम की वजह से ही अपने नए रसोई में अभी तक यहाँ पे शिफ्ट नहीं हुए हैं, तो जब मिस्त्री आ जाएंगे तो काम हमारा शुरू हो जाएगा आज से फिर। और अभी आगे को तो क्या होता है कि गांव के लोगों के ना काम बढ़ जाते हैं, तो आजकल ना घर का काम कराना थोड़ा मुश्किल होता है। तो अभी 10-15 दिनों के अंदर अगर हम ना अपना काम कम्प्लीट करा लेते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर तो हमें खेतों के मतलब बहुत सारे काम पड़ जाते हैं, तब तो बड़ा मुश्किल होता है फिर। तो तब सोचा है हमने भी कि अभी जल्दी जल्दी से अपना सीलिंग वाला काम करवा लेंगे कंप्लीट। और आज हमारे मिस्त्री ने बोला है आने को ना, तो मैंने क्या किया है कि यहाँ पे मैंने दाल रख ली है गैस पे। मैंने बोला कि चलो जल्दी खाना बनाऊँगी तो फिर घास काटने के लिए तो जल्दी फ्री हो जाएंगे, क्योंकि घास काटने को तो हमें डेली जाना ही होता है। और दाल हमारी ना अभी उबली चुकी है, तो मुझे अभी दाल को तड़का लगाने के लिए लहसुन प्याज वगैरह काट करके रख लेना है। तो यहाँ पे जला लिया है मैंने चूल्हा और चूल्हे पे रख ली है कढ़ाई, और कढ़ाई में डालूंगी मैं तेल। और दाल मैं आज ना मिक्स बना रही हूँ, तो 2-3 दालें इकट्ठी की है मैंने। इसमें उड़द दाल है, कुल्थी दाल है, और साथ में चना दाल है, बाकी एक दाल और भी होती है मोठ दाल बोलते हैं जिसको कि, तो 3-4 प्रकार की दालें डाली है मैंने इकट्ठा। तो कढ़ाई में तेल गर्म हो गया है हमारा, तो अब मैं एक एक करके सारे मसाले डालूंगी कढ़ाई में। सारे मसाले डाल दिए हैं मैंने कढ़ाई में, और आज मैंने ना चूल्हे पे लोहे की कढ़ाई रखी है, तो ये थोड़ी सी बड़ी भी है और लोहे के बर्तन में बना हुआ खाना बढ़िया भी रहता है खाने को भी, मतलब सेहत के लिए अच्छा रहता है। तो आजकल तो ये बर्तन ना जो पुराने होते हैं लोहे के और मिट्टी के, तो इनमें तो खाना बहुत ही कम बनता है। तो मैंने तो सोचा है कि जब हमारी नई रसोई ना कम्प्लीट हो जाएगी तो अपनी रसोई के लिए मैं मिट्टी के और पीतल के बर्तन लाऊँगी खाना बनाने के लिए। तो तड़का भी तैयार हो गया है, अब मैं दाल को डाल रही हूँ कढ़ाई में। अभी डाल रही हूँ मैं यहाँ पे हल्दी और थोड़ा सा नमक भी डाल लूँगी, वैसे नमक मैंने पहले डाला है, अभी दाल में पानी और डालना है ना, तो सब मैंने नमक भी डाल दिया। तो यहाँ पे ये देखिए मिस्त्री हमारे आ गए हैं, और मिस्त्री भी है ये, तो मेरे मेहमान भी है ये, और साथ में आज ना मेरे घर में एक और नया मेहमान आया है, तो अभी मैं आपको बताती हूँ कि कौन आया है मेरे घर में मेहमान। तो ये आया है आज मेरे घर में नया मेहमान, और ये है हमारे मिस्त्री, पर ये मेरे भाई है, तो इनका पोता है ये। और इसको मैं अब ना भेजूंगी भी यहाँ पे, रखूंगी अपने घर में ही, तो हमारे घर में छोटे बच्चे नहीं है ना, तो तब रखूंगी मैं इसको यहाँ पे, है ना, नहीं बेटा जी मैं पढ़ाऊंगी, मैं इसको घर में मैं पढ़ाऊंगी उसको घर में। तो अभी मेरा पोता तो आ गया है मेरे साथ में रसोई में, और मैं यहाँ पे खाना बना रही हूँ, तो दाल भी हमारी उबल रही है चूल्हे पे, और गैस पे मैंने चावल भी चढ़ा दिए हैं। और ये जो मेरा पोता है ना, तो इसका नाम है अंशु, अंशु बोलते हैं इसको, बाकी तो अपना नाम ये खुद से बताएगा कि इसका नाम क्या है। अपना नाम बताओ। आशीष ठाकुर। आशीष ठाकुर नाम है इसका, तो इसको बोलते हैं घर में अंशु। और ये मेरे साथ इतना घुल मिल गया है ना, यहाँ पे आ गया रसोई में मेरे साथ, साथ साथ में यहाँ पे बैठ भी रहा है, बातें भी कर रहा है। तो अभी हमारा खाना बन रहा है, तो खाना खाएंगे और फिर उसके बाद अंशु को तो पढ़ने के लिए भी ठाल देंगे, क्योंकि बच्चों को ना मैं तो सिद्ध पढ़ने को भी बिठा लेती हूँ, चाहे किसी के भी हो, कोई बच्चे हो। तो अंशु को जल्दी से खाना खिला करके पढ़ने को भी बिठाएंगे। फिर कौन सी क्लास में पढ़ता है अंशु, ये भी बताएगा अभी। फिफ्थ में पढ़ता है अंशु। ये है हमारा अंशु, और मैं बहुत खुश हूँ आज, तो मेरे घर में मेहमान आए हैं और ये पोता आया है, तब मैं ज़्यादा खुश हूँ। खाना खाने के बाद यहाँ पे आ गए हैं ऊपर नई रसोई में हम ना, और यहाँ पे सामान वगैरह उतार रहे हैं। पहले तो ऊपर छत पे चादरें रखी है ना, तो इनको उतारना है नीचे को, क्योंकि ऊपर करनी है सीलिंग। तो यहाँ पे आज हमारा काम हो गया है शुरू। और मेरा पोता आज ना बड़ा खुश हुआ है, क्योंकि दादी के घर जो आए हैं ये।
strawberry. Vanilla chocolate and strawberry. Name the different flavors of ice cream the ice cream man has in his cart. Name. तो हमारा काम तो हो गया है आज, चालू सभी लगे हैं अपने अपने काम पे। तो अब मैं तो यहाँ पे पहले तो बर्तन धो लूंगी क्योंकि अभी खाना खाया है ना, तो बर्तन ही अभी धोए हैं। तो अभी थोड़ी एक दिनों की बात है, अब तो बर्तन अंदर ही धोया करूंगी मैं, क्योंकि अभी ना हमारी रसोई का काम तो शुरू हो गया है आज से। और अभी देखते हैं कितने दिन लग गए हमारी रसोई को कम्प्लीट होने को भी। तो अभी दिन के 4 बज गए हैं और मैं चल पड़ी हूँ अभी घास काटने को। और मैं आज ना अकेली जा रही हूँ घास काटने को, क्योंकि अब हमारे ना घर में मिस्त्री आ गए हैं। तो हरदीप के पापा मिस्त्री के साथ साथ हैं, कुछ काम कर रहे हैं, मतलब सामान वगैरह पकड़ना होता है या पकड़ाना होता है, तो वहाँ पे बिजी है एक आदमी। तो तब मैं तो आज अकेले जा रही हूँ घास काटने को। और अभी थोड़े से बादल भी आने लग गए हैं, तो तब मैंने बोला कि चलो चलते हैं जल्दी से, पहले घास ही काट लेते हैं। और घास काटने को मैं सड़क से जा रही हूँ और सड़क से नीचे है हमारा फाट, तो आज मैं फाट से घास काटूँगी जल्दी से। खेतों में नहीं जा रही हूँ क्योंकि खेतों में छोटी छोटी घास है, तो वहाँ पे फिर टाइम लगता है ज़्यादा। तो यहाँ पे मैंने अभी 10 पुल्ले ही घास के काटे हैं। अभी ना मिस्त्रियों की चाय का टाइम भी हो गया है, तो अब ना पहले घर में जा करके चाय बना लूँगी, फिर उसके बाद ही काटूँगी और घास। तो यहाँ पे हमारी चाय बन गई है और मैंने बनाई है ब्लैक टी, और यहाँ पे अंशु भी चाय पीने के लिए तैयार खड़ा है। तो चलिए चाय लेके चलते हैं ऊपर छत पे। पकड़ा पकड़ा अंशु था पीने खाना से है नहीं आठ सूर्य कान से प्रखा चली गई पड़ता है। तो चाय पीने के बाद ना अभी हम फिर से चल पड़े हैं घास काटने को। तो यहाँ पे मैंने ले ली है दराटी और मेरे साथ में यहाँ पे अंशु भी जा रहा है, क्योंकि अंशु आज मेहमान आया है ना, तो बहुत ही ज़्यादा खुश है। और अभी मैं घास काट रही थी ना, तो तभी चला गया था ये वहाँ पे जहाँ पे कि मैं घास काट रही थी, और अभी तो ये मेरे साथ साथ ही चल पड़ा है। और अभी टाइम भी काफ़ी हो गया है, तो शाम के 6:30 बजने लग गए हैं, तो अभी ना अंधेरा भी जल्दी हो जाएगा। और घास अभी हमारा हुआ नहीं है आज, और घास तो ना घर के नज़दीक में ही काटना है। और अंशु भी घास काटता है, और अंशु ना बहुत ज़्यादा काम करता है, तो ये बोलता है कि मैं चाय भी बनाता हूँ और सब्ज़ी भी बनाता हूँ, तो बहुत ज़्यादा काम करता है अंशु। तो आज ये मेरा मेहमान आया है ना, तो कल से मैं इससे चाय भी बनवाऊँगी और खाना भी बनवाऊँगी इससे। और आज ना घास काटने को ऐसे जा रहा है ये, कल मैं ना दराटी लेके जाऊँगी और अंशु से घास भी कटाऊँगी। ठीक है अंशु, काटेगा तो घास है, मना कर रहा है, नहीं घास नहीं काटूंगा बोल रहा है। मैं मजाक कर रही हूँ क्योंकि अंशु मेहमान आया है, इससे मैं घास थोड़ी ना कटाऊंगी। एक दिन का मेहमान आया है ये, दो दिन का मेहमान आया है। अंशु बोल रहा है कि मैं 2 दिन का मेहमान आया हूँ, तो 2 दिन ये मस्ती करेगा यहाँ पे, घास नहीं कटवाऊंगी मैं इससे। तो अभी घास काटने को तो हमें हो जाएगा लेट, लेकिन उससे पहले मैं अपनी वीडियो का करूँगी यहीं पे एंड। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट, और जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं तो वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय देव भूमि हिमाचल प्रदेश।